सुबह हमने देखा हमारा धन सात्विक होना चाहिए, क्योंकि धन किसके साथ आए घर? दुआओं के साथ। धन कमाएं, बहुत कमाएं, लेकिन जितना धन आए वो दुआओं के साथ आए। किसी का दर्द का एक भी थॉट हमारे धन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो धन हमारे घर आएगा उस धन से फिर हम अन्न खरीदेंगे। तो अगर धन में किसी का दर्द लगा हुआ है तो वो अन्न पे आएगा, अन्न जो बच्चा खाएगा उसके मन पर असर पड़ जाएगा। तो धन का कनेक्शन अन्न, फिर अन्न से मन, और फिर मन से तन, चार एनर्जीज हैं जीवन की। तो पहले धन क्लीन, फिर उसके बाद अन्न सात्विक, फिर उसके बाद मन सात्विक। मन सात्विक कैसे करेंगे? रोज सुबह आधा घंटा अपने लिए ज्ञान भर के अपने अंदर, मीडिया जो हमें परोस रहा है उसको ध्यान से पढ़ें, जितना जरूरी है उतना ही लें। सोशल मीडिया हमें जो परोस रहा है सारा दिन, आप लोग सबको बताते हो कि आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है ओवरथिंकिंग, लेकिन ओवरथिंकिंग का कारण है ओवर इन्फॉर्मेशन। ओवरथिंकिंग को हम कभी नहीं रोक पाएंगे जब तक हम ओवर इन्फॉर्मेशन को नहीं रोकेंगे। तो ओवर इन्फॉर्मेशन से ओवरथिंकिंग, फिर उससे बाकी साइकोसोमैटिक डिजीजेस। क्योंकि सारा दिन देखो हमारे पास इन्फॉर्मेशन फ्लड हो रही है, ये वीडियो, ये ऑडियो, ये फोटो, ये पोस्ट, ये किसी का, ये पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे। जो हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, जो मूवी हम देखेंगे, जो किताब हम पढ़ेंगे, जो सीरियल हम देखेंगे, जो कॉमेडी हम देखेंगे, जो जैसी क्वालिटी की होगी हमारा चित्त वैसा बनता जाएगा, हमारे संस्कार वैसे बनते जाएंगे। तो वो ही सुने, पढ़ें, देखें जैसा अपना भाग्य चाहते हैं। ऐसा हमें लगता है कि हम बैठ के ऐसे ही तो सुन लिया टाइम पास, वो टाइम पास नहीं होता, वो हमारी डेस्टिनी पे असर करने वाला है। तो मीडिया से भी लें, सोशल मीडिया से भी लें, सब चीज़ों को यूज़ करें। जैसे एक किसी के घर हम जाएं, वो 10 चीज़ें बनाएगा, हम उसमें से वही लेते हैं ना जो हमारी डाइट को सूट करती है, वही लेंगे। इसी तरह मीडिया और सोशल मीडिया हमारे सामने सब कुछ परोसेगा, हम उसमें से वही उठाएंगे जो हमारी इमोशनल डाइट के लिए सही है। बाकी सब चीज़ों के लिए नो, आई एम ऑन अ डाइट। और अपने आप को बचाने के लिए लोग जो आके नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भरते हैं, पता है क्या हुआ उधर, पता है क्या हुआ उसने, पता है क्या किया उसके घर में, पता है क्या हो रहा है आज, पता है ओटी में क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन एक है, इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट वर्ल्ड, एक है इन्फॉर्मेशन ऑफ आर वर्ल्ड। दूसरों की कमजोरियां सुनेंगे, अपने चित्त का हिस्सा बन जाएगा, अपना वाइट सर्कल क्या हो जाएगा। इज इट पॉसिबल कि कोई आकर हमें सुनाए और हम उसको कहें ओम शांति, I am on a diet। कहते हैं ना हम फिजिकल चीज़ों के लिए, सपोज हमें फ्राइड नहीं खाना और कहे कोई समोसा खा लो, कहें नहीं सॉरी आई एम नॉट ईटिंग फ्राइड, पर वो इतना प्यार करते हैं हमारे से, वो कहते हैं आधा तो खा लो ना प्लीज़, हम कहेंगे नहीं। फिर वो पता है क्या कहेंगे, अच्छा ऊपर वाला छोड़ दो, सिर्फ नीचे वाला टुकड़ा खा लो, इतना प्यार करते हैं लोग हमारे से। एक दिन सिर्फ बोलना है नो मीन्स नो मीन्स नो, अगली बार वो देंगे ही नहीं। लेकिन अगर एक बार एक टुकड़ा भी खा लिया ना, तो अगली बार बोलेंगे ऐसे ही बोलते हैं, खा तो लेते हैं उसके बाद, वो बना दो इनके लिए भी सब कुछ। सेम विद गॉसिप, अगर हम सुनेंगे तो सुनाने वाले बहुत हैं। एक दिन ना कहिएगा, उसके बाद वो सुनाने के लिए नहीं आएंगे, आप भी बच जाएंगे, सुनाने वाले भी बच जाएंगे, और जिनके बारे में वो सुना रहे हैं वो भी बच जाएंगे, और हॉस्पिटल का वातावरण भी बच जाएगा, और पेशेंट भी बच जाएंगे। बहुत सारे फायदे हैं। हम सोचते हैं ओहो मैं उनको मना करूंगा तो वो क्या सोचेंगे, उनको बुरा तो नहीं लगेगा। हम बहुत छोटी चीज़ें सोचते हैं कि उनको बुरा ना लग जाए, बाकी जो बुरा हो रहा है उसका रिजल्ट वो नहीं हम सोचते। एक बार करके देखिएगा। परमात्मा कहते हैं
सिर्फ बैठकर ऐसे ऐसे भी किया ना, अगर जब कोई सुना रहा है ऐसे ऐसे भी किया, तो आप उसके कार्मिक अकाउंट में भागीदार बन गए। कोई कहानी सुना रहा हो, हम ऐसे ऐसे करेंगे, तब तो वो सुनाता जाएगा ना, और कहेंगे ये तो बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। देखो आप सब इतने दिन से इतने इंटरेस्ट से सुन रहे हो, तो हम सब यहाँ से सुनाते जाते हैं, सुनाते जाते, सुनाते जाते। आप 2 मिनट ऐसे करो, बोलने वाला बोलेगा कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं, ओम शांति करके चला जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द लिसनर, इट इज द लिसनर। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए मैं क्या करूं वो सुना रहे थे, हमें ये क्या कहना है मैं क्यों सुन रही थी। Why am I becoming an instrument in this negative energy circulation? तो सिर्फ एक बार उनको कहेंगे कुछ और बात करते हैं, वो कहेंगे सुनो सुनो कुछ और बात करते हैं, वो 2-3 बार बोलेंगे, उसके बाद वो नहीं बोलेंगे। तो information about other people, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते और वो सिर्फ किसी की कमजोरी या किसी की बातें हैं। तीसरी टाइप ऑफ information, आपको पता है आपके बारे में क्या कह रहे थे वो, आपको मालूम है उसने क्या कहा आपके बारे में, तब क्या करेंगे? हमेशा याद रखना जो सुना रहा है, जहां से उसने सुना, उसने जहां से सुना, सबके संस्कारों का फिल्टर ऐड करके आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे, आप इन्फॉर्मेशन परसीव्ड बाय 4 संस्कार्स आप उसको ले रहे हैं। प्यार से एक आंसर देना, इफ देर इज समथिंग आई हैव टू डू अबाउट इट टेल मी, अदरवाइज आई डोंट वॉन्ट टू हियर। दिल से आपको सुनना चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू हियर, आई डोंट वॉन्ट टू नो। जिसको मुझे कुछ कहना है वो आके मुझे डायरेक्टली बताएगा, मुझे वाया वाया कम्युनिकेशन विद वाया वाया संस्कार्स, इट इज नॉट वाया वाया कम्युनिकेशन, इट इज वाया वाया कम्युनिकेशन विद वाया वाया संस्कार्स। एंड इसीलिए कहा कुछ जाता है पहुंचता कुछ और है, और सिर्फ उस रीजन से कार्मिक अकाउंट बिगड़ जाते हैं। तो जितना अपने आप को इस एनर्जी से बचाएंगे, आपका एनर्जी फील्ड वाइट रहेगा रोज, और जितना वाइट रहेगा उतना एंजल हमेशा उड़ता जाएगा। रोज सुबह 1/2 घंटा ज्ञान और मेडिटेशन, और दिन में 1-1 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज, एंड जो सुबह डिसाइड किया था उसको रीअफर्म। गुस्से का संस्कार खत्म करना है, सुबह करेंगे पीसफुल सोल, चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ पीस, और 1 घंटे के बाद आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, और रात को सोने से पहले आई एम पीसफुल सोल सोचते सोचते सो जाएंगे, सारी रात वो सोच काम करेगी। और जब भी कुछ खाएंगे पिएंगे, शांति के सागर की शक्तियां इसमें, आई एम पीसफुल सोल। 3 महीने नहीं लगेंगे पहुंचने के लिए ए इज टू बी इक्वल टू बी पर, इट डज नॉट टेक 3 मंथ्स, इट्स गोइंग टू हैपन वेरी वेरी फास्ट। एंड तब आप खुद कहेंगे कि ये जो ज्ञान है ना, ये डायरेक्ट परमात्मा का ही है, इसलिए ये इतना सहज है, इतना पावरफुल है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मेडिटेशन में उससे अनुभव होना शुरू होगा, परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप। उसको यूज़ करना शुरू करें, भगवान कहते हैं मैं बैठा हूँ मुझे यूज़ करो, मतलब मेरी शक्ति को यूज़ करो। सन तो कितने सालों से था, किसी ने सोचा सन की शक्ति को यूज़ करो तो पूरा कुकिंग सिस्टम लग गया शांतिवन में सोलर एनर्जी से। किसी ने सोचा सन की शक्ति को यूज़ करो, पूरी इलेक्ट्रिसिटी बन गई शांतिवन में सोलर पावर से। सन तो कब से था, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे थे। तो परमात्मा की शक्तियां कांस्टेंट है, हर थॉट वर्ड एक्शन में उसको लेते जाएंगे, उससे बात करते जाएंगे, उसकी शक्तियों को लेंगे, अपने कर्मों में यूज करेंगे, खुद भी मिरेकल क्रिएट करेंगे, औरों के जीवन को भी मिरेकल बनाएंगे, और तब हर एक कहेगा आप मेरे जीवन में फरिश्ता हो, क्योंकि आप उनको सुख देंगे।